A boat crosses a river from port A to port B, which are at a distance D apart, which are just on the opposite side. तो ये सिचुएशन है कि जस्ट अपोजिट साइड के ऊपर दो पोर्ट्स हैं ए एंड बी. द स्पीड ऑफ वाटर इज़ वी डब्ल्यू एंड दैट ऑफ बोट इज़ वी बी रिलेटिव टू स्टिल वाटर. एज्यूम वी बी इज इक्वल टू 2 times स्पीड ऑफ वाटर. वट इज़ द टाइम टेकन बाय द बोट इफ इट हैज़ टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन द लाइन ए बी. तो इस लाइन के अक्रॉस रिवर को क्रॉस करना है तो नेचुरली बोट को इस तरफ चलना पड़ेगा. सो दैट इट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज़ अलॉन्ग द लाइन ए बी. तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ बोट. ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू वाटर और हमें ढूंढना है टाइम. तो मुझे एक्चुअली ये कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, वी बी मुझे फाइंड आउट करना है. क्लियर. वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इज़ गिवन टू अस और ये वैल्यू मुझे गिवन है वी बी डब्ल्यू. बच्चों ध्यान से समझो, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है. आपको जो वी बी गिवन है ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विस्पेक्ट टू वाटर इन स्टिल वाटर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, ये कॉमन कन्फ्यूज़न है. जब रिवर फ्लो कर रही होगी, जब वाटर करंट होगा, उस केस में ये जो वी बी है वो वी बी डब्ल्यू बन जाएगी. क्लियर. तो अब हमें देखना है कितने टाइम में ये ए से बी तक पहुंचेगा. ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब ये वैल्यू मुझे गिवन है 2vw. सो अब मैं चाहूँगा कि ये जो कंपोनेंट है ये भी vw के बराबर हो जाए, ताकि ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएं और नेट वेलोसिटी सिर्फ इसी डायरेक्शन में आ जाए. फॉर दिस ये एंगल मेरे पास थीटा होगा और ये कंपोनेंट हो गया मेरे पास वी डब्ल्यू. तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिखता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा वी डब्ल्यू अपॉन वी बी डब्ल्यू, यानी कि 1/2. यानी कि थीटा की वैल्यू बच्चों मेरे पास बनेगी 60 डिग्री. यानी कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. इसका मतलब वी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, वी बी डब्ल्यू कॉस 30. कॉस 30 होता है √3/2. तो ये 2 times वी डब्ल्यू इंटू आंसर है इन टर्म्स ऑफ बोट, है ना. तो लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ बोट, इसे मैं लिखूँगा वी बी डब्ल्यू इंटू कॉस 30. कॉस 30 मेरे पास हो गया √3/2. तो ये आ गई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट. बच्चों थोड़ा सा फर्क ध्यान से समझना, इस सिंबल्स में मैं इसको वी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये वी बी गिवन है. ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विस्पेक्ट टू वाटर. ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ इस बार आ गया ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. जब आप ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे आपको बोट ए से बी के अलोंग ही जाती हुई दिखाई देगी. तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई. ठीक है, एब्सोल्यूट अगर आप कहोगे कुछ नहीं होता तो आप कह सकते हो कि यू कैन से दैट वेलोसिटी विस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्लियर, ये आ गई. डिस्टेंस कितना कवर करना है आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डी डिस्टेंस कवर करना है. तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड कह लो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो. तो डी अपॉन वी बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय √3/2. तो ये हमारे पास आंसर बन गया 2d/vbw√3. आई रिपीट, वी बी डब्ल्यू बेसिकली यही वेलोसिटी है वी बी. तो आप लिखोगे 2d/vbw√3. सो ऑप्शन ए शुड बी रिक्वायर्ड आंसर.